हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो का जो है ना वो इंट्रो है, पिछले दो दिन पहले मैंने वीडियो बनाई, इसका ना इंट्रो किया है ना उसका एंड किया, तो ये उसका इंट्रो है। और देखें जी, बैल को आज फिर लेके आए हूँ बाहर, और अभी इधर खड़ा हूँ मैं क्योंकि सामने से वो बैल से और गायें आ रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इधर ही खड़ा हो जाता है इससे पहले कि ये कंट्रोल से बाहर हो जाए। वो सामने बीबी से को लेके आए हैं और मुझे डर लग रहा है कि मस्तियाँ करने लग पड़े और वो भी सामने आ रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ ये ना इस तरफ जाए, लेकिन कैसे देख रहा है कूड़ रहा है उनको। देखे मेरे लिए अच्छा है वो उधर चल जा, मैंने वो अपने डेरे पे जाना है इस तरफ, वो पिंजरा लगा उस तरफ जाना है, ये पीछे पीछे जो है ना कैसे दूर है। चल आइए पक्का इसको लेके जाना, लेके चलते हैं। और यार देखें फिर से वो आ रही है, मुझे लग रहा है उनसे उनसे नहीं इससे जो है ना, ये देखें क्या माशाल्लाह फुल अपने जोश होश में खड़ा है, और मैं नहीं चाहता कि उनसे पंगा ले। और ये पैलियों में देखना हर तरफ पानी पानी, इस तरफ भी पानी पानी, और ये पानी में जो है ना उनके पीछे जाए या उनसे झगड़ा करे, खुद को नुकसान या उनको नुकसान ना दे, तो लिहाजा मैं इसको और पीछे लेके जाता हूँ ताकि ये जो है ना इनसे बच जाए, इनसे ना झगड़े। और फोन से बचा के इधर लेके आऊँ, सामने भी एक बच्चा है और ये फुल इस टाइम जो है ना अपने लेकिन क्या कर रहा है, फुल जो है ना फुल जोश और होश में। इधर भैंस उनको देखने वो जा रही है उनसे बचाने के लिए, सवेली में लेके आगे वो वैसे ही बछड़े। चल ये सर इस तरह का जानवर है कि अगर ये बिगड़ जाए, क्या कहते हैं अपने आप पर खो दे, इसको कंट्रोल करना या इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये तो शरीफ बन के चला आ रहा है तो ठीक है, अगर ये बिगड़ जाए या मुझे ही मारना शुरू कर दे, फिर इसको पकड़ना या इसको वापस घर लेकर जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करूँ, कहता वैसा कुछ नहीं है, देखना प्यार से ही आ रहा है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा जानवर जो है ना, इतनी ताकत इसमें, इसको कंट्रोल कैसे किसने करना है फिर। तो दो तीन दिन रह गए हैं ईद को, तो मैं इसलिए इसको बाहर लेके आऊँ, ज़रा कुछ खा पी ले, बाहर घूम ले, या हम वीडियो भी इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बना ले। देखे ना माशाल्लाह, इतने बड़े जानवर को बिगड़ जाए तो कैसे कंट्रोल करता बंदा, डर भी लगता है हल्का हल्का, लेकिन ये है कि नहीं हम तो इनके साथ ये घर में दूसरी भी जानवर रखे हुए हैं, हमको इतना डर नहीं। वैसे बिगड़ने पे आ जाए तो ये इसको कैसे बंदा कंट्रोल करे। चला जा जा, देखे ना आ जा आ जा। अच्छा इसने जाना है उधर तक, वो डेरा आ गया, जाना है उधर तक बड़े प्यार से, उधर रहेगा भी थोड़ी देर, जब इसको लोना ना अब घर चले, यकीन करें मैं दौड़ के जाता है घर, और ब्रेक इसकी लगनी है फिर घर जाके। इस तरह का ये उस दिन जो लेके आए थे ना हम, पहले मेरी आपने वीडियो देखी, जाते आया ठीक है, उधर भी ठीक रहा, वापसी पर इसने फिर कहा नहीं अब छोड़ दो, अब मैं ही जाऊँगा अकेला, ऐसे दरवा के मुझे लेके गया, दौड़ के गया दौड़ के। आज अभी सही धूप है, बाकी रात को बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, ये देखना पहलियों में एक बारिश से कैसे पानी, इधर भी पानी, ये भी पानी पानी, ये पानी हर तरफ,
इनकी ज़मीनें थोड़ी सी ऊपर नीचे है, वो हमारा खेत था कुछ छोटा सा, उसमें नहीं वैसे इतना पानी खड़ा हुआ, पता नहीं किस वजह से, शायद वो निकल जाता हमारे खेत से पानी। बाकी इस तरफ देख रहे तो इधर, और चाहे आप फसल लगा लें, किसकी धान की फसल कहते हैं, इनके चावल चावल की फसल लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। बाकी इसको लेकर चलता हूँ उधर पहली में, पता नहीं अब जाता है कि नहीं जाता, कोशिश करूँगा वैसे उधर ही लेकर जाऊँ, तो पानी में इसको लेकर जाऊँ, वो तो मैंने गंदा होना ही चलेंगे, अभी मस्तियाँ तो करेगा ना। रानी लाया एंड भी इधर ही। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।